सिंगरौली में सड़क दुर्घटना में बिजली विभाग के कर्मचारी की मौत के बाद परिजनों ने सड़क पर शव रखकर चक्का जाम कर दिया और प्रशासन से मुआवजे की मांग की। इस दौरान काफी समय तक सड़क से आवाजाही बंद रही। सरई थाना अंतर्गत गजरा बहरा क्षेत्र में बिजली विभाग के कर्मचारी सुंदरलाल गुप्ता सड़क दुर्घटना में घायल हो गए, जिसको इलाज के लिए बनारस के ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान सुंदरलाल गुप्ता की मौत हो गई, जिसके बाद परिजनों ने गजरा बहरा मेन बाजार की तिराहे पर शव को रख कर चक्का जाम कर दिया। परिजनों ने प्रशासन से उचित मुआवजा दिलवाए जाने की मांग की और कहा सुंदरलाल गुप्ता के बच्चों के पढ़ाई लिखाई का भी खर्च प्रशासन उठाए। जिसके बाद सरई थाना प्रभारी संतोष तिवारी ने परिजनों को समझाया और सड़क जाम को हटवाया। परिजनों की मांग पर प्रशासन ने उचित कार्रवाई की बात कही है। फिर क्या हुआ? हमारा सोहाग बुढ़ जा लिए सर, हमने दिन बुढ़त पताया भाई लो वो तो नहीं। घटना कैसे हुई है? घटना बताइए। मोटरसाइकिल वाला मार दिया है साहब, भाई बंद कोई नहीं है। हमारे पापा ड्यूटी से आ रहे थे तो ये घटना घट गई। कहाँ ड्यूटी करते हैं पापा आपके? लाइट में, लाइनमैन। तो कहाँ से कहाँ आ रहे थे? बिजली ऑफिस तरफ से आ रहे थे। घर आ रहे थे बिजली ऑफिस तरफ से? क्या हुआ फिर? फिर कोई आशीष नामक आया और पापा को एक्सीडेंट करके भाग गए। गुप्ता परिवार से लड़के हैं जो लाइनमैन का काम करते हैं और एक आशीष वैश, दोनों की खनुआ स्कूल के सामने बाइक से आपस में टक्कर हुई, इसमें इनको ज़्यादा चोट लगी थी। गुप्ता इनको रेफर कर दिया गया था बनारस ट्रामा सेंटर, जहाँ आज कल रात में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के पश्चात डेड बॉडी लेकर यहाँ आए हैं और ऐसी सूचना मिली कि परिजन लोग गजरा बारा में चक्का जाम कर रहे हैं, सूचना पर यहाँ आए, उन लोगों से बातचीत किया, उनसे पूछा गया कि कारण क्या है, तो उन्होंने ये बताया कि हमारी कार्रवाई नहीं हुई है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।